हाँ सर, मेरा नहीं ना? नहीं बस। वेल आज का सीक्वेंस बहुत स्पेशल है बिकॉज मैं निशा को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कन्विंस करने के लिए कि उसको कबीर से प्यार होने लगा है. सो दैट्स व्हाट द सीक्वेंस इज अबाउट. एंड ऑफ कोर्स निशा बीइंग निशा शी इज नॉट गोना अग्री टू इट इजीली. सो वो जो ब्रेक करने का काम है वो मेरा है. सो बिकॉज वो मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती. सो मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेता हूँ. मैं बेसिकली उससे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको सच में कबीर से प्यार होने लगा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. और अगर ऐसा है तो कुछ तो करना पड़ेगा सिचुएशन को संभालने के लिए, बिकॉज 3 महीने बाद अगर वो चला जाएगा और इसको प्यार हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो इट्स ऑल द बिगिनिंग ऑफ अ बिग थिंग हियर. ऑलवेज सही हो या गलत हो, अगर वो गलत भी करती है ना तो मैं उसे बोलता हूँ गलत है लेकिन सपोर्ट मैं करूँगा. दैट्स वाई हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है.
वो जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आपको सब समझ में आएगा कैसे कैसे क्यों क्यों है, बिकॉज सब चीज़ें तो मैं अभी नहीं बता सकता। और जहाँ तक उसके प्यार की बात है, वेल प्यार का सीज़न चल रहा है, दिख रहा है हर जगह, प्यार उमड़ता आ रहा है आँखों में और मैंने पढ़ लिया है वो उसकी आँखों में, तो बस मैं उसे एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ कि हाँ कुछ ऐसा है, दैट्स ऑल। देखिए प्यार के मामले में कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है, ऑल वी कैन होप फॉर इज दैट एवरी लव स्टोरी हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, सो लेट्स सी हाउ मेनी लव स्टोरीज हैपन हियर एंड हाउ मेनी ऑफ दोज लव स्टोरीज हैव हैप्पी एंडिंग्स, सो क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। वेल सौरव, ऑफ कोर्स सौरव की गर्लफ्रेंड्स रही हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड एवरीथिंग, बट नथिंग टू सीरियस, लाइक अभी तक सौरव को वो सात समुंदर पार तैर के जाने वाला प्यार नहीं हुआ है, बट देखिए प्यार का सीजन चल रहा है तो होपफुली सौरव की लाइफ में भी कुछ होगा बहुत जल्दी, सो वो आप देखेंगे क्या होगा कैसे होगा। सौरव एक क्या बोलते हैं, सौरव मीसा के बहुत अच्छे मतलब ये दोस्त हैं, तो सौरव को क्या लगता है कि मतलब मीसा क्या बोलते हैं कभी भी हो पाएगी? देखिए सौरव इतना अच्छा दोस्त है निशा का कि सौरव को इससे मतलब नहीं होगा कभी कि लड़का कौन है, अगर निशा उस लड़के को चाहती है तो वो एक साथ होंगे, सौरव बस यही चाहता है। निशा को और कबीर को और सौरभ को सिर्फ ये बात मालूम है कि तीन महीने का एग्रीमेंट हुआ था, तो क्या मतलब ये आप मेन यहाँ पे हैं तो आप क्या मतलब ये लोग को मतलब ना जानकर भी ये क्या बोलते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये दोनों को एक साथ? देखिए अब सच्ची दोस्ती क्या होती है, अगर दोस्त से गलती हो भी जाए आप एक थप्पड़ लगाओगे कि गलती करी है लेकिन फिर भी साथ दोगे ना, तो साथ तो देना पड़ेगा सौरभ को और वो अच्छे अच्छे से कर रहा है। क्या मतलब ये निशा की गलती हो या कबीर की गलती हो, लपड़ की बात की है, कहीं निशा की गलती हो तो निशा को क्या लपड़ मारेंगे? अब देखिए लड़की पे तो सौरभ हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन हाँ वो निशा है वो तो टॉम बॉय है तो मुंह पे तो साफ साफ बोल ही देगा कि भाई तूने गलती करी है लेकिन तू कितनी भी गलती कर हमेशा तेरे साथ रहूँगा। बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि निशा की स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है और प्यार का सीज़न चल रहा है तो ऑफ कोर्स कहीं एक प्यार का क्या बोलते हैं सीड सौरभ की लाइफ में भी जल्दी होने वाला है, सो यू हैव टू वॉच इट, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। वेल कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड इट्स गोना गेट रियली रियली इंटरेस्टिंग and just stick to it, trust me, there are a lot of new things happening in the show.